रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से पूछताछ की जा रही है, जिसके लिए पंजाब पुलिस की SIT टीम पहुंची है। जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ाते हुए नाकाबंदी की गई है। पूछताछ के दौरान जेल के वरिष्ठ अधिकारी और रोहतक पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। टीम साल 2015 की बरगाड़ी बेअब्दी मामले में पूछताछ करने के लिए गई है। मामले के अनुसार हाल ही में SIT के मुखिया और IG सुंदरपाल सिंह परमार ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में सुनारिया जेल प्रशासन को SIT के आने के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। 25 अक्टूबर को डेरा प्रमुख का फरीदकोट की अदालत से 29 अक्टूबर के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी करवाया था, लेकिन फरीदकोट की अदालत में पेशी से एक दिन पहले 28 अक्टूबर को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रमुख के वारंट पर रोक लगा दी थी और SIT को सुनारिया जेल में जाकर पूछताछ करने के आदेश दिए थे। इसके बाद अब SIT पूरी तैयारी से राम रहीम से पूछताछ करने के लिए आई है। उससे किए जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। मामले में जुड़ी तीन घटनाओं की जांच कर रही टीम ने पावन स्वरूप चोरी करने और विवादित पोस्टर लगाने की घटनाओं में डेरा सच्चा सौदा के 6 अनुयायियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, जबकि पावन स्वरूप चोरी करने की घटना में SIT ने जुलाई 2020 में 7 डेरा अनुयायियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ खत्म होने के कुछ दिन बाद ही इन 7 अनुयायियों के अलावा डेरे की कमेटी के 3 सदस्यों और डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। बता दें कि रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में गुरमीत राम रहीम और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में गुरमीत राम रहीम और अन्य 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब राम रहीम को जीवन भर जेल में ही रहना होगा।